वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम, एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और नई मूवी का रिव्यू। मूवी का नाम है इन्फिनिट। पौने दो घंटे की ये मूवी है। इंग्लिश में आप इसको देख सकते हैं, पैरामाउंट प्लस की ये मूवी है। मूवी कैसी है, कहानी कैसी है, उस सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। बात कर लेते हैं इन्फिनिट की स्टार कास्ट के बारे में। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपको इसमें देखने को मिलते हैं। मार्क वॉलवर्क और डिलन ओब्रायन ने कैरेक्टर निभाया है ट्रेडवे का। इसके अलावा सीटर इजियोफर ने कैरेक्टर निभाया है बाथरस्ट का। अब आ जाते हैं भैया इसकी कहानी के बारे में, तो बहुत ही दिलचस्प ये कहानी है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। तो पर्सनली मैंने इस मूवी को बहुत इंजॉय किया है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि पौने दो घंटे की ये मूवी है, लेकिन यार क्या कमाल एक्शन सीन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं जिनके बारे में आपने पहले सुना है, जैसे पुनर्जन्म की कहानियाँ। पुनर्जन्म के बारे में भारत में काफ़ी वर्षों से बात चलती आ रही है। बहुत सालों से आप सुनते आए होंगे कि यार पुनर्जन्म इसका हुआ या उसका हुआ, ऐसी बहुत सारी कहानी आपने सुनी भी होंगी और हम हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी इन सब चीजों को मानते हैं। वही सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। इस मूवी में दिखाए गए हैं ऐसे लोग जो कि अपने पुराने जन्मों की बातों को याद रखते हैं और उनकी दुश्मनी भी पुराने जन्मों से चली आ रही है। सोचो अगर ऐसे कोई दो दल हों जिनमें आपस में काफी जन्मों से लड़ाई चल रही हो तो क्या नजारा होगा देखने वाला। तो वही सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। बीच में इस कहानी में आपको दिखा दिया गया है कि भैया एक एग है जिसके ऊपर ये लड़ाई चल रही है। दरअसल एक ग्रुप है जो कि चाहता है कि यार ये पुनर्जन्म वाली जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए, दूसरा ग्रुप चाहता है कि यार ये पुनर्जन्म वाली प्रक्रिया चलती रहे ताकि दुनिया को बचाया जा सके, दुनिया को बुरी ताकतों से दूर रखा जा सके। अब इन्हीं दोनों के बीच में आ जाता है वो अंडा, वो एग, जिसमें बहुत सारी शक्तियां निहित है, जिसके अंदर काफी सारी पावर्स हैं जो कि इस चक्र को तोड़ सकती है या बदल सकती है। तो इसी को लेकर के इन दोनों ग्रुप में झगड़ा चल रहा है, वो भी काफी वर्षों से, काफी सदियों से। ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी कहानी में आप देखते हैं मार्क वेलवर्क को जो कि ट्रेडवे का कैरेक्टर निभा रहे हैं। उनको पता नहीं होता कि उनके पिछले जन्म में क्या हुआ है, वो अपनी असली जिंदगी में काफी परेशान चल रहे होते हैं। काफी सारी वो दवाइयां लेते हैं, मनोचिकित्सक के द्वारा उनका इलाज चल रहा है, ड्रग्स पर वो डिपेंडेंट रहते हैं। एक दिन उनकी जिंदगी में आ जाता है बाथरस्ट और वो उनको बताता है कि भैया वो बहुत सालों से अलग अलग जन्मों में एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहा है, यानी कि ट्रेडवे का, वो दरअसल ट्रेडवे है। ये बात उसको जेल में जाने के बाद पता चलती है। वहां से कहानी पलट जाती है, दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। वहां से लेकर के अंत तक आप इतना जबरदस्त एक्शन देखने वाले हैं जो बहुत ही कम मूवीज में आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स पसंद है, जॉन विक पसंद है और फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो ये वाली मूवी बिल्कुल भी मिस मत करना यार, क्योंकि इसमें तीनों मूवीज का एक तरह से कॉम्बिनेशन मान सकते हो आप इसको। जॉन विक की तरह इसमें गनफाइट दिखाई गई है, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह इसमें कार रेसिंग वगैरह दिखाई गई है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बहुत दिनों बाद में, या कह लीजिए कि बहुत समय बाद में हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी आई है जो कि वास्तव में उसके VFX बहुत जबरदस्त हैं। कहीं भी किसी भी टाइम आप उस मूवी को देखते समय बोरियत महसूस नहीं करते, ना कोई गाली गलौच है, ना कोई गद्दे सीन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। इसलिए ये मूवी आप किसी के साथ भी बैठ करके एंजॉय कर सकते हो, पौने दो घंटे आपके आराम से बीतने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो जाइए एंजॉय करिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मूवी इंग्लिश में है, तो अगर आप लोग इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है तो जाकर के इस मूवी को एंजॉय करें। और जिन भी मूवीज़ का, वेब सीरीज़ का आप लोग रिव्यू जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ लेकर के मैं आता ही रहता हूं, तो जुड़े रहें मेरे चैनल से। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।